हेलो फ्रेंड्स, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए, उसको आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे आज चैप्टर 9 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इंग्लिश में बोलें हिंदी में बोलें तो आंकिक समाकलन। क्या है? आंकिक आकलन। देखिए, इसका यूज तब होता है जब आपको, जैसे क्या है, अभी तक ए बेसिकली इसमें हम क्या निकालेंगे, एरिया ही निकालेंगे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल ही निकालेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम एरिया यानी क्षेत्रफल ही निकालेंगे। लेकिन है क्या, पहले भी हम तो क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं, तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो इस चैप्टर को पढ़ने की ये जरूरत है, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसलिए है कि जैसे कि ऐसा भी एरिया हो सकता है जो अनइवन हो, अनइवन हो, उसको आप एक कर्व का फॉर्म न दे पाए, मान लीजिए एक वक्र का रूप न दे पा रहे हो आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया और इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, मतलब इसको एक y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में आप लिख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई समीकरण ही नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं हम, कुछ करते नहीं, इसको इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। जो रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे उनमें क्या किया जाएगा, इनको इक्वल यानी बराबर बराबर भागों में इस पूरे एरिया को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। और x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान होगा, जैसे मान लीजिए वहाँ पे y1 हो, y2 हो, y3, ऐसे हो जाएगा और फिर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये यूज, ये जो आपका यूज होता है बेसिकली, आप देख सकते हैं सरफेस रफनेस वगैरह जब आप लोग पढ़ेंगे आगे, यानी सतह का जो रफनेस होता है उसको मेजर करने के लिए ये सब चीज़ें यूज की जा सकती हैं। ठीक है, एरिया वगैरह निकालने के लिए। ठीक, दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ ऐसे फलन होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिनका आप कन्वीनियंट तरीके से इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। मान लीजिए जैसे कि 1 बाई एक्स डी एक्स है और ये कहीं से लिमिट है 1 टू 2 या कहीं भी। ठीक है, अगर अब यहाँ पे आपको एक्चुअली मिलेगा log 2, तो log 2 का आप एरिया में कैसे बताएंगे? ठीक है, तो अगर आप इसका वैल्यू चाहते हैं एक्चुअली में नंबर्स में, log 2 तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कितना होगा। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर वगैरह ना हो तो आप जो है निकाल, इसका वैल्यू लगभग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारे जो है तीन रूल हैं। ठीक है, एक सिम्पसन का रूल है, सिम्पसन का दो रूल है। ठीक है, तो वो दो रूल हो गए, और तीसरा है ट्रेपेजॉइडल रूल, तो सिम्पसन रूल। ठीक है, सिम्पसन का नियम, क्या बोलते हैं इसको, सिम्पसन का नियम। सिम्पसन के नियम में पहला है 1/3 रूल। ठीक है, दूसरा है 3/8 रूल। ठीक है, इसको भी TH आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 रूल यानी 1/3 का नियम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है आपका 1/3 ही बोल दीजिए, और एक को बोलते हैं 3/8 का नियम। ठीक है, तो ये रूल है। ठीक है, अब उसके बाद है दूसरा एक रूल है, उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल, एक्चुअली में ये ऐसे है ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, ई यहाँ पे ई होता है ZOIDL। ठीक है, इसको समलंबी नियम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो समलंबी। अब एक एक करके हम समझते हैं सिम्पसन का 1/3 रूल क्या कहता है। तो सिम्पसन का 1/3 वाला जो रूल है
उसके आधार पे अगर कोई एरिया जैसे हमको निकालना है तो वो होता है एस बाई थ्री। फार्मूला पहले देखेंगे, अभी समझाएंगे आपको एक एक चीज इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो होता है एस बाई थ्री वाई वन प्लस वाई एन प्लस वन, ठीक है, और टू इंटू इवन वाले हैं, फिर उसके ऑड वाले हैं, फिर उसके बाद इवन वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड वाले वाई थ्री वाई फाइव, ठीक है, ऐसे डॉट 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 करते हुए, क्योंकि वाई एन प्लस वन ऑड वाला है तो एक निकल गया, तो वाई एन माइनस वन वाला, ठीक। और प्लस फोर इंटू वाई टू वाई फोर ऐसे डॉट 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 वाई एन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस फार्मूले का मतलब समझिए। जैसे हमने ऊपर वाले में बांटा ना, ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पे, तो इसको हटा दिया। जैसे हमने, जैसे मान लीजिए कोई एरिया निकालना ऐसे है, ठीक है, तो इसको क्या करिए, एन बराबर भागों में बांट दीजिए, और वो एन सम होना चाहिए। वो एन क्या होना चाहिए, ये है एन बराबर, एन क्या है, बराबर भाग है, ठीक है, यानी इक्वल पार्ट्स हैं। और ये फिर क्या है, और एक और चीज है, ये क्या है, सम है। तो अगर एन सम है, ठीक है, अगर एन क्या है, सम है, तो एन प्लस, तो इसमें बताइए कितने ऑर्डिनेट्स होंगे, कितने कोटियां होंगी, इनको बोले वाई वन वाई टू वाई थ्री ऐसे करते हुए। वाई अगर आप एन पार्ट कर रहे हैं तो लास्ट वाला क्या होगा, वाई एन प्लस वन होगा, जाहिर सी बात है, एक ज्यादा होगा। जैसे आपको पांच चार भाग करने हैं तो पांच लाइनें खींचनी पड़ेंगी। देखिए एक दो तीन चार भाग हुआ, लाइनें कितनी है, एक दो तीन चार पांच, है ना। तो वैसे ही अगर आपको n बराबर भाग करने हैं तो आपको लाइनें कितनी खींचनी पड़ेंगी, n प्लस वन लाइनें, ठीक है। तो इसीलिए ये है y n प्लस वन, यानी कि ये लास्ट वाला लाइन है, ठीक है। लास्ट वाला कहने का मतलब y का मान है, ये लाइन मतलब ये लंबाई है, इसको आप बोल सकते हैं ऑर्डिनेट इंग्लिश में, और आपका हिंदी में लिखा होगा कोटि, ठीक है। इसका मतलब इस x के लिए, यहां पर जो x का मान है उसके लिए y का मान, ठीक है। ये y1 क्या है, यहां पर जो x है उसके लिए y का मान, ठीक है, यहां पर x जो है उसके लिए y का मान। तो इस फार्मूले से लिखा जाता है, मीन्स आपको यहां पे अलग अलग x के मान के लिए, ठीक है, जितने भागों में आप बांटे रहेंगे ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसका हम यूज समाकलन में कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं, ठीक है। तो समझिए इसका इंटीग्रेशन में कैसे यूज है। तो समाकलन में ये यूज है कि मान लीजिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम ए टू बी वाई डी एक्स, ठीक है, ए टू बी वाई डी एक्स हम कर रहे हैं, तो ये भी एरिया है कोई बता रहा, तो ये इसके बराबर होगा, जहां पे मतलब यही फार्मूला लिखेंगे हम, एच बाई थ्री वाई वन प्लस वाई एन प्लस वन प्लस टू इंटू वाई थ्री वाई फाइव, जो है सेम वही चीज, अब यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है, जो आपका ये h होगा वो क्या होगा, ये जो यहाँ पे h है वो है आपका b माइनस a बटे n के बराबर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, a टू b लिमिट जो है ना, ये h का मान जो आएगा, मतलब h कितना होना चाहिए, वो होगा b माइनस a बटे n। अब यही h क्या है, h क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स है, ठीक है, ये मतलब सॉरी h क्या है, ये इंटरवल का कह लीजिए एक विड्थ है, ठीक है, कितना आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा ना, जो वाई वन का मान होगा वो एक्स के किस मान के लिए होगा, यहाँ वाई का मान दे दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स का मान दे दे रहे हैं, तो एक्स बराबर ए के लिए वाई वन होगा, मतलब ये लोअर लिमिट। फिर ए प्लस एच के लिए,
वाई टू होगा, ठीक है। इसको ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, ए प्लस टू एच पर वाई थ्री आपको मिलेगा। इसी तरह से बताइए, जब आप बी का मान लेंगे, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, बी बराबर क्या मिल रहा है आपको, जो एंथ पार्ट होगा, क्योंकि आप कितने पार्ट कर रहे हैं, एन पार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो होगा ए एन प्लस एच लास्ट वाला होगा, और यही बी के बराबर होगा। आप चाहे तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए एन एच, सॉरी यहाँ पे एन एच होना चाहिए, ए प्लस एन एच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एन एच हो जाएगा, ए को क्या कर लीजिए, बी का मान निकाल रहे, ए को पक्षांतर कर दीजिए, तो ए प्लस एन एच हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप पार्ट करेंगे, ठीक। ये ज्यादा चीजें समझ में आएंगी आपको सवालों में, तो हम वहीं पे बताएंगे, ठीक है। और ये वाई एन प्लस वन वाला होगा, ठीक है, वाई एन प्लस वन वाला होगा। तो इस तरह से हमको बांटना होगा, ठीक है, सवालों में जिस हिसाब से दिया होगा, ये लिमिट के हिसाब से, ठीक है, फिर हमारा जो है सवाल लगेगा। तो बेसिकली आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे ऐसे अभी। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा अंतराल एक कॉमा दो को, ठीक है। अभी 3/8 भी रूल है और ट्रेपेज़ॉइडल भी रूल है, वो भी बता देते हैं, बता देंगे, लेकिन पहले इस पर एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, ये वाला सवाल कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इस पर एक सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिखा अंतराल 1 to 2 को 4 बराबर भागों में बांटते हुए। अभी आपको बताया ना, 1/3 रूल में, सिम्पसन के 1/3 रूल में जो आपका नंबर ऑफ पार्ट्स होना चाहिए वो सम होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स सम होगा तभी आप सवाल लगा, आप उस पर सवाल लगेगा, ठीक है, उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है चार, चार मतलब इवन हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, इवन अर्थात की सम हुआ, ठीक है। भागों में बांटते हुए सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x का मान ज्ञात करिए, और ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए y का मान यहाँ पर क्या है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो y बराबर हमारा क्या है, 1/x है, ठीक है। यहाँ से हम क्या, a बराबर हमारा क्या है, 1 है, और b बराबर क्या है, 2 है। h का मान निकाल लेंगे, h का मान क्या होगा, और n क्या है, ये भी बात है, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने करने हैं, 4 करने हैं, 4 पार्ट्स, है ना। तो यहां से h का मान निकाल लेंगे, h का मान क्या होगा, b माइनस a बटे n, b कितना है, 2 माइनस 1 बटे 4 करेंगे तो 1/4, 1/4 क्या होता है, 0.25, 1/4 यही होता है ना, 0.25, है ना। अब देखिए, अब क्या करना है हमको, टेबल बनाना है, ठीक है, अपना सारणी बनाना है। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यानी कि सारणी बनाएंगे। तो हम लोग टेबल बनाते हैं, तो वैसे ही, मतलब पार्ट नहीं बना के, मीन्स वैसे ही हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कितने पार्ट करने होंगे, अगर देखा जाए तो 5 भाग, सॉरी 5 आपको वाई के मान निकालने होंगे, क्योंकि भाग 4 है, तो वाई के मान कितने मिलेंगे, 5। तो एक्स का मान क्या होगा, एक जगह ए होगा, इसे लिखते हैं, एक जगह ए होगा एक्स, उसके बाद ए प्लस एच होगा, उसके बाद ए प्लस 2h, उसके बाद ए प्लस 3h, उसके बाद ए प्लस 4h, हुआ 5 पार्ट, 1 2 3 4 5, 5 y के मान मिलेंगे, यानी x के ये मान है, यानी ये x बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं x बराबर, ठीक, उसके बाद x का मान यहाँ पे मिल जाएगा अगले लाइन में, उसके बाद y बराबर आपका क्या है, 1/x, तो उसके लिए y का मान भी हम लोग निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या है, a कितना है, a1 है ना, ए प्लस एच कितना होगा, 1 प्लस 0.25, मीन्स 1.25, ठीक है, होगा ना।
और यहाँ पे ए प्लस टू एच क्या होगा, तो ये होगा 1 + 0.25 = 1.25। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 1.50, है ना। यहाँ पे क्या होगा 1.75, यहाँ पे क्या होगा 1.75 में तो सीधे हो जाएगा 2 आ जाएगा ना, 2। और देखिए ये बी के बराबर भी होना चाहिए। तो इस तरह से एक्स के मान मिल गए हमारे, हमने बांट दिया 5 एक्स के मान, एक्स का मान 1, 2, 3, 4, 5। अब इन्हीं एक्स के मानों के लिए वाई का मान भी होगा, तो वाई का मान यहाँ पे कैसे दिया जाएगा, 1/1 यहाँ पे होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1/, देखिए ध्यान से, ये y1 है और ये आपका क्या है y2 है, वो क्या होगा 1/1.25। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/1.25 को, देखिए आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो आपको अपने मन से ही करना होगा, ये आएगा 0.8, ठीक है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है। y3 का मान करेंगे तो 1/1.5 करेंगे, x का मान कितना आएगा 1/1.5 का 10/15, तो आएगा आपका नियरली 0.666 करके आएगा, लेकिन 0.67 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1/1.75 करेंगे तो क्या आएगा, तो y4 आपका आ जाएगा 0.57। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, जगह की वजह से, नहीं तो आप लिखेंगे 1/1.75 और वो, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट वाला है 1/2, आप जान ही रहे 1/2 क्या होगा आपका 0.5 होगा, ये हो गया y5 का मान, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, टेबल बन गया, ठीक। अब रूल लगाएंगे तो रूल में क्या है हमारा, अब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या है, जो आपका इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन x इज इक्वल टू, इसी को हम क्या लिख सकते हैं h/3, ठीक है, h/3 है ना, लिखते हैं। और y1 + y5, क्योंकि यहाँ पे हमको चार पार्ट करना है इस फार्मूले में, तो हम yn+1 नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं y1 + y5 इंटू टू इंटू कौन सा वाला, विषम स्थान वाले। विषम स्थान वाले कौन से होंगे, तो विषम स्थान वाला y1 ये तो हो गया, जो बचे हुए रिमेनिंग है क्या है y3 है और कौन सा है y5 है, फिर +4 × सम स्थान वाले, तो सम स्थान वाला कौन कौन सा है बचा हुआ, y2 है और y4 है। ये फार्मूला आपका लिखा जाए, है ना, जैसा आपका होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 पार्ट करते हैं, कहा जाता कि 6 बराबर भागों में करके कीजिए, तो यहाँ पे 7 आता हुआ, यहाँ पे 3, 5 और सॉरी यहाँ पे तो गड़बड़ कर दिया मैंने, ये शेष वाले जो बचे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही आएगा y3 केवल, ठीक है, क्योंकि आ गया, तो यहाँ पे क्या आता y3 और y5 आता, ठीक है, 7 में करने पर, ठीक है। और जो आपके वैसे यहाँ पे y के 7 मान होते, तो बचे हुए जो होते हैं, देखिए जो यहाँ पे लिख दिया ये पहला और अंतिम लिख दिया गया। अब बचे हुए पहले विषम स्थानों का करिए, उसमें 2 का गुणा होना चाहिए, ठीक है, उसमें कितने का गुणा होना चाहिए, 2 का गुणा होना चाहिए, और बाकी में क्या होना चाहिए जो सम वाले हैं उसमें 4 का गुणा होना चाहिए, ठीक है। तो यही है आपका, करते हैं हम लोग फिर आगे सवाल को हल। हाँ ठीक है, इसका मान हम निकाल लेंगे, अपना h का मान रख देते हैं, h का मान क्या है 0.25/3। y1 कितना है, तब लिखना पड़ेगा y1 हमारा 1, y5 कितना है, y5 है 0.5 + 2 × y3 कितना है, y3 आपका 0.67 + 4 × y2 + y3, या तो जोड़ लीजिए या लिख लीजिए, पहले y2 कितना है 0.8,
प्लस वाई फोर, वाई फोर कितना है 0.5 सेम, ठीक है 0.25 अपॉन 3, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 1 = 13, 1.34, और ये 4 × हो जाएगा आपका 8 × 5 = 13, यानी 1.37 है ना। अब इसको क्या कर लेंगे, अभी इसको गुणा करना होगा 4 से, फिर सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 3 से भाग करेंगे और 0.25 पे आप क्या कर लीजिए, उसमें गुणा कर लीजिए। तो जब ये सब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6932, ठीक है, इसके आसपास आएगा 0.6932, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया और यही आपको निकालना था। इतना छोटा सा सवाल ये सबसे बड़े नंबर में पूछता है, ठीक है, 4 नंबर के 5 नंबर वाले आपके होते हैं, ठीक है, और एक सवाल इस पर जरूर रहता है, 5 नंबर वाले में, ठीक है। तो ये 5 नंबर का पूछता, अभी एक पार्ट और है हालांकि इसमें, तो ये हमारा निकल गया कि इसका मान, ठीक है, क्या मिल गया, इसका मान मिल गया इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x का 0.6932 के, ठीक है, लगभग इसी के आसपास आएगा। कह रहा है आगे बी वाला जो इसका पार्ट है, वो कह रहा है कि इस प्रश्न की सहायता से log2 के मान की गणना करिए, ठीक है, कह रहा है इस प्रश्न की सहायता से log2 के मान की गणना करिए। तो बी वाला पोर्शन कैसे हल करेंगे, तो बी वाला पोर्शन ऐसे हल करेंगे, हम जान रहे हैं इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लिमिट लग जाएगा 1 to 2, जब आप लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log2 और माइनस हो जाएगा log1, लॉग वन आप जानते हैं 0 होता है, तो ये हो गया log2 के इक्वल, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर है इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x, इसी का तो मान हम निकाले हैं, इसी का तो मान निकाले हैं इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x, ये इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए, क्योंकि ये भी वही है इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x, ये हमने फार्मूले से किया, ठीक है, ये हमने फार्मूले से निकाला तो log2 के बराबर आया, ये हमने सिम्पसन के 1/3 रूल से लगाया तो कितना आया 0.6932 आया, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं है लेकिन लगभग लगभग, क्योंकि ये जो मान आता है ये वाला, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग मान होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, 2 से हम कहेंगे log2 बराबर, log2 बराबर 0.6932, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा log2 बराबर 0.6932, ठीक है। तो ये कुछ है, ठीक है, तो ये हुआ आपका सिम्पसन का 1/3, ठीक है। इस पर एक और सवाल कर लेते हैं, फिर बाकी वाला हम लोग बाकी रूल भी देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन में कि एक नदी 80 मीटर चौड़ी है, एक किनारे से x दूरी पर गहराई y मीटरों में, ठीक है, निम्न सारणी में दी गई है, तो नदी के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल निकाले, ये ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है, ये बहुत सवाल आते हैं। देखिए जो आपका फार्मूला था ना, उसको ऐसे भी आपके किताब में लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, सिम्पसन का 1/3 रूल वाला जो फार्मूला, एरिया लिखा होगा, एरिया इज इक्वल टू h/3 एक सेकंड, तो h/3 ऐसे लिखा होगा, एफ प्लस एल यानी फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, और प्लस 2 × जितने रिमेनिंग ऑड्स, यहाँ पे क्या है रिमेनिंग यानी शेष बचे हुए ऑड कोटियां, विषम कोटियां, ठीक है, ऐसे लिखा होगा आपके किताब में, शेष बची हुई यानी या फिर शेष विषम कोटियां, विषम कोटियां का मतलब जो ऑड स्थानों पर ऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, और प्लस प्लस 4
इंटू ई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वही शेष बची हुई इवेन यानी कि क्या बोलते हैं विषम कोटियां, सॉरी सम कोटियां, ठीक है। तो ऐसे भी फार्मूला आपका लिखा होगा, ठीक। तो उसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप क्या करिए आप डायरेक्ट फार्मूला वो वाला यूज करिए, ठीक है। इसको याद करने की क्या आवश्यकता है, मुझे नहीं लग रहा, आपको बस अपने माइंड में होना चाहिए और फिर आप लिख लेंगे उस चीज को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल दे दिया, अब इस टेबल से हमको निकालना है, जैसे क्या दिया है, एक जैसे ऐसे एक नाव है, सॉरी नाव है कह रहे, नदी है, और नदी आप जानते हैं एग्जैक्ट एक जैसा हो नहीं सकता ना, उसका हम वो कर सकते हैं। तो अलग अलग एक्स के मानों के लिए हाइट दिया हुआ है ना, अलग अलग एक्स के मानों के लिए यहाँ पे हाइट दिया हुआ है। अब इसी आधार पे बताना कि ये जो नदी का जो क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रेस क्षेत्रफल है जो आपको सामने से दिख रहा है, यही एरिया बताना है, ठीक है। नदी का यही एरिया क्या करना हमको बताना है। तो फिर हम देखते हैं पहले कितने इसमें कोटियां हैं, तो देखिए कितनी कोटियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने दिए हैं, 9 दिए हैं, ठीक है। कितनी कोटियां हैं, 9, ठीक। तो 9 कोटियां, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें पार्ट्स कितने हैं, इसके पार्टीशन कितने हैं, आप देखिए ध्यान से। तो पार्ट्स आपके हैं 9, जब कोटियां हैं तो पार्ट्स कितने होंगे, 8। तो यहां पर जब सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्यूशन हल में लिखेंगे n बराबर यहां पर कितना है, 8, ठीक है, जो कि सम है। अतः 1/3 रूल प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, 1/3 रूल, ठीक है। तो सिम्पसन का यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, सिम्पसन का, ठीक है, 1/3 रूल अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 8 मिल गया, एन तो मिल गया हमको 8, एच का मान बताइए, ठीक है, एच का मान। अब देखिए एक्स बराबर ए, ए प्लस एच, ए ये सब नहीं निकालना होगा क्योंकि सब दिया होगा। एच का मान कितना होगा, तो देखिए एक्स में जो डिफरेंस होता है वही एच होता है। कितने का डिफरेंस है, 0 से 10 से 20 30 40, यानी कितना है, 10। एच का मान कितना है, 10 है, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है साफ साफ। अब किसी चीज की जरूरत है, नहीं जरूरत है, y1 वगैरह वो सब दिए हुए हैं, आप चाहें तो अपने मन से ये चीजें आप इसमें कोट कर सकते हैं, y1 y2 y3, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम y4 ले लेते हैं, ये हमारा y5, ठीक है, और ये हमारा y6 है, और ये y7 है, ये y8 है, ये y9 है, ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसका रूल फार्मूला लगाएं, सिम्पसन्स 1/3 वाला एरिया आप यहाँ पे लिख लेंगे, नदी का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो गया, h/3 y1 प्लस, यानी पहला वाला और लास्ट वाला क्या है, y9। उसके बाद होता है 2 × 2 ब्रैकेट में, या फिर सम विषम वाला क्या है, पहला और लास्ट वाले को छोड़ के, पहला विषम वाला होगा y3, उसके बाद होगा y5, उसके बाद क्या होगा, y7 × + 4 × कौन से वाले, सम वाले, सम वाला क्या है, y2 y4 y6 और y8 भी आएगा, है ना। अब यहां पे जो जो है उन सब का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, सबके मान रख दीजिए, तो छोटा कर लेते हैं, एच का मान कितना है हमारा, एच का मान है 10, तो 10/3 हो जाएगा। y1 कितना है, y1 है आपका 0, y9 कितना है, 3। ऐसे जब टेबल दिया रहता है तो और आसान हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, बस फार्मूले में रखना है, और सोचिए इसके आपको 5 नंबर मिल रहे हैं,
वाई थ्री 7 है, वाई फाइव कितना है 12, अभी और भी है, वाई सेवन कितना है 14। ये वाई का मान है, देखिएगा ध्यान से। वाई टू कितना है, वाई टू है 4, वाई फोर कितना है 9, वाई सिक्स कितना है 15, वाई एट 8। ठीक है, फिर इसको हम लोग जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 12 14 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, है ना। और आप 4 9 15 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 33 और 36, 33 का गुणा 2 में होगा, तीन हो गया ये। तो ये 33 का गुणा 2 में होगा तो 66 होगा, है ना। और फिर 36 में 4 का गुणा होगा तो कितना होगा, 144 होगा। चार फोर सिक्स जै 24 और 4 3 12, 12 2 14, ठीक है 144। ठीक, इसके बाद इसको जोड़ लेंगे और आपका आंसर आ जाएंगे। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये तो सिंपल ही दिख रहा है, ये 10 हो जाएगा, ये 100, यानी कि तो 210 हो जाएगा, है ना, 210। ठीक है, 6 4 10 6 4 10 11, हाँ 210 हो जाएगा। तो 210 यानी कि 213 हो जाएगा। ठीक है, 10/3 गुणे 213। अब इसको आप भाग देके करना है तो भाग देके कर लीजिए, ठीक है, हालांकि कट तो जाएगा 3 से 7 और एक बार में, तो 710। और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे आपको सवाल लगाना है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। कहीं प्रॉब्लम वाली बात आपको दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात दिख रही है। दो गुणे जो यहाँ पे विषम वाले हैं, विषम जगहों पर जो हैं, ये ध्यान देना है, विषम, ठीक है, ये विषम वाला है, विषम वाले में 2 का गुणा करेंगे और 4 का गुणा किस में करेंगे, सम वाले, और यहाँ पे पहला और लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट वाला, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ये होना चाहिए लास्ट वाला, वो ऑड होना चाहिए, यानी कहने का मतलब जो पार्टीशन है, जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, यानी बराबर बराबर भागों में जो बांटा गया है, वो सम है। और जो ऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको पहले ही बताएं, ठीक है, ऑर्डिनेट्स होंगे तब विषम होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको 4 पार्ट करने हैं तो वहाँ पे y के कितने मान चाहिए, 5 मान चाहिए। अगर आपको अगर 10 पार्ट करने हैं तो y के 11 मान चाहिए, तभी वो हो पाएगा ना। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, बाकी जो रूल हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।